ब्रेकअप कर ले, छोड़ दे, ओकर दुख नहीं आए। वो तो सैड स्टेटस लगाओ तो सब दुख दूर हो जाये। लेकिन दुख तो ए बात क्या है कि रिचार्ज कराए के नहीं गए। एक दो दिन रुक जाते, रिचार्ज कराए देते, फिर तो हम ऐसा तो का छोड़ देते। रो क्यों रही हो यार, ब्रेकअप इतना जल्दी? अभी 7 महीने पहले तो तुमको लहाया था। मैं पहले न बोलती तो बच जलाउंडिया बात है। हो गया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अरे बहुत लड़के हैं, तुम किसी और को साट लेना। मैं किसी से नहीं बताऊंगी ये बात। हाँ पक्का पक्का नहीं बताऊंगी ये। A few moments later. ये बात मैं सबसे पहले अपने बाबू को बताऊंगी। हेलो। हाँ बाबू, जानते हो वो जो अपने क्लास वाली रिया है ना, उसका आज ब्रेकअप हो गया है। बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, और ऐसा करने की सोचना भी नहीं। कपार फार के अचार ठीक कर दूंगी। मैं रीवा की बिटी हूँ, मैं टीना फाड़ डालूंगी। हेलो। हाँ शिवानी, जानती हो वो रिया का आज ब्रेकअप हो गया है। जितने दिन तक बॉयफ्रेंड था तो हम लोग से बात नहीं करती थी। हमेशा यही बोलती थी कि आज मेरा बॉयफ्रेंड घड़ी खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, कपड़ा खरीदा है। बहुत घमंड था उसको अपने बॉयफ्रेंड पर। बोलती थी कि मेरा प्यार 7 जन्मों का है और 7 महीने में छोड़ दिया। हाँ हाँ, गलती रिया की थी। वो बहुत सारा फ्रेंड बनाई थी ना, तो फ्रेंड के चक्कर में बॉयफ्रेंड छूट गया। लड़कों को फ्रेंड बनाई थी। रिया और राहुल की मैं बहुत सारी सीक्रेट बात जानती हूँ, मुझे बताती थी। मैं आके तुमको बताऊंगी कोचिंग में। चलो ठीक है, अभी मैं शुरू शुरू में जब बॉयफ्रेंड बना रहा था, हमका बहुत मानत रहा। कहीं तुम अभी अपने जिज्जी के मोबाइल से बात करो, फिर 1 महीने बाद मैं तुमको टच वाली मोबाइल खरीद के दूंगा। लेकिन आज तक ओके बटन वाली मोबाइल दे के रोजी नहीं भाई, यहीं से छोड़ दे। पहली को बॉयफ्रेंड इतना नहीं कहा है, वो कपड़ा खरीदी, मोबाइल खरीदी, घड़ी खरीदी, शॉपिंग कराई। हम कहें कि चलो बाबू तुम भी कुछ खरीद दो, मेरे सहेली को बॉयफ्रेंड इतना खरीदता है तो कई वो तुम्हारी सहेली राण है, उसके चक्कर में। शुरू में ओके प्यार में ऐसा पगलान बहन की हमका लागत रहा कि बस यही लड़का माँ जिंदगी आए। मातारी बाप छूट जा तो छूट जा, लेकिन ये लड़के के साथ कबो न छोड़ा। और स्टोरी में गाना लगावत रहन, धोएंगे पिलेंगे बाकी नहीं के संगे, घर बा अपना बसाएंगे। लेकिन अब समझ में आ कितना पढ़ लिख कितने धो। तुम्हारा फ्यूचर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तुम उधर ठेला में केले बेचते रह जाओगे, मैं इधर कोई महक बॉयफ्रेंड साटूंगी, अफुर रह जाऊंगी। जानते हो एक खुश खबरी है तुम्हारे लिए, कल मेरे दिखाइया आए थे सतना से। हाँ, लड़का सरकारी नौकरी किया था। हो गया लड़का सरकारी नौकरी का था तो मुझसे मना करते नहीं बना। हाँ, और उसके पास आई फोन भी था तो मुझे और लालच हो गई। हाँ देखो बाबू, पथरा पूछते पूछते तो मेरा काज लगा है। हाँ तो मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगी। ए बेरोजगारी में कहाँ सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलता है। हाँ अरे बाबू तुम कहीं और देख लो। हाँ जिस तरह का तुम्हारा बिजनेस है ना, ठेला में केला बेचते हो ना, तो थोड़ा सा चेंज कर लो। केला की जगह तुम पानी पीरू बेचो। रीवा की लड़कियाँ बहुत कौ रही होती है, पछियाएंगी तुम्हारे पीछे। हाँ फिर किसी को फ्री में खवा के जाल में फंसा लेना प्यार के। हाँ ठीक है बाबू, बाय बाय टाटा। दोबारा मेरे कॉल आए तो मैं मारूंगी चाटा। बाय।